वेलकम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्राइस का क्विज नंबर 2 बैच 5 का डिजिट स्केल्स पे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, छोटी सी आपका है वीडियो है और ये है जी आपके सामने नज़र आ रहा है जिस तरह से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग एंडिंग ट्रिक्स आपको नज़र आ रही हैं। टेक क्विज करेंगे, क्विज हो जाएगा हमारा स्टार्ट। एंड मेक श्योर इस बात का ख्याल रखें कि क्विज जो है वो वेरी करता है परसेंट परसेंट सिस्टम टू सिस्टम। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है जो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा आफ्टर कि आपने जब पहला क्विज दिया था। स्टार्ट क्विज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने ये है जी, बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट्स आर कॉल्ड थीम, प्लगइन्स, एडिटर कोड एंड स्पैन कमेंट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास प्लगइन्स, ठीक है जी। बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड द प्लगइन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड स्टेटमेंट, वेयर आर वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर्ड। ऑप्शन हैं, दे आर स्टोर्ड ऑन wordpress.com, इन द वर्डप्रेस थीम फोल्डर, इन द WP कंटेंट / थीम फोल्डर, इन द WP कंटेंट प्लगइन फोल्डर। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड ऑन wordpress.com, नहीं, इन प्लग इन फोल्डर्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड वाली, व्हाट इज़ मीडिया लाइब्रेरी इन वर्डप्रेस, कलेक्शन ऑफ पेज, पोस्ट एंड थीम्स, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइल्स, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ प्लगइन, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ मेन्यू सेटिंग्स। तो ये हमारे पास आ जाती है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ प्लगइन्स। तो ये सी वाला जो है वो इसको हमने कर लिया मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है जी। हाईलाइटेड हुआ आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, ऑप्शंस भी अपने चेंज हो सकती है, लेकिन आई प्रोवाइड यू सम आइडिया, उसके बाद आपने वो देख के तो आपने जो है वो मार्क कर लेना, ठीक है। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ प्लगइन, मीडिया लाइब्रेरी जो होती है वो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ प्लगइन होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, यू कैन ईजिली एड फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग बाय एडिंग अ ऐप, टूल, प्लगइन एंड थीम। तो अगर आप इसकी देखें ना तो पूरी स्टेटमेंट ये बनती है, यू कैन ईजिली एड फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग बाय एडिंग अ टूल कॉल्ड थीम। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो मार करेंगे प्लगइन, ठीक है। पहले मैंने भी यही सोचा था कि ये टूल बाय एडिंग अ टूल, उसके बाद ये कंप्लीट करती है उसने कलेक्टिवली, अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो फिर हमारे पास ये आएगी प्लगइन। तो हमारे पास जो है अभी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सिनेरियो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो है जी प्लगइन का। तो प्लगइन को हम मार करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद है ये वाली फिफ्थ वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड लाइन शुड बी यूज्ड इनसाइड एन एंकर टैग टू ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। ऑप्शंस है href इज इक्वल टू http, आगे www.w3schools.com, और टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, आगे है ब्रैकेट विजिट w3schools, और थर्ड सेकंड पे है टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ, थर्ड पे है टारगेट इज इक्वल टू टॉप, एंड फोर्थ पे है टारगेट इज इक्वल टू पेरेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होएगा जी टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ए वाला जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो ए वाले को हम मार करेंगे और चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल तो काइंडली कर दें, उसी सूरत में आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल सकेंगी। एलिमेंटर इज़ अ डैश पेज बिल्डर वर्डप्रेस प्लगइन थीम ऑल ऑफ द गिवन। तो एलिमेंटर जो होता है वो पेज बिल्डर भी होता है, वर्डप्रेस का प्लगइन भी होता है, एंड इट्स सेल्फ अ थीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा वो ऑल ऑफ द गिवन आएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो एलिमेंटर जो है इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो ऑल ऑफ द गिवन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है हमारे पास और
और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है वो पूरी देखा करें, और आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। सेवंथ है, वेयर द वर्डप्रेस प्लगइन ऑप्शंस आर स्टोर्ड ऑन wordpress.org एंड नॉट ऑन माय साइट इन द वर्डप्रेस प्लगइन फोल्डर इन द wp-content/plugin फोल्डर दे आर स्टोर्ड इन द वर्डप्रेस डेटाबेस। तो जो आपके प्लगइन्स होते हैं ना वर्डप्रेस प्लगइन्स, वो आपके स्टोर होते हैं इन द वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक द वूकॉमर्स प्लगइन। तो ऑप्शंस आपके पास WP क्राउड फंडिंग, वूकॉमर्स लाइक WP फंडिंग एंड द बडी प्रेस। तो वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो इज मोर रिलेटिव टू WP क्राउड फंडिंग, ठीक है। ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आपको फिर बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट में भी चेंज, ऑप्शंस में भी चेंज, बट जो है एक मेन आइडिया वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अपने मेन चीज़ पे फोकस करना होता है, जो चीज़ समझने वाली होती है वो समझा करें। ऑप्शंस, इंटरफेस, सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होएगा तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। नाइन्थ है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी फॉर वर्डप्रेस। तो फर्स्ट कैटेगरी एडिड ऑन वर्डप्रेस, अनकैटेगराइज, नॉन कैटेगरी एंड नन ऑफ दिस। तो अगर आपने देखा वर्डप्रेस आपने ओपन किया होता है, सबसे पहले आपको नजर आ रही होती है अनकैटेगराइज, ठीक है। वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा भी होता है अनकैटेगराइज। तो इसका बी वाला जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया, अनकैटेगराइज। इसको मार्क करेंगे और चलेंगे अपने लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि उसी सूरत में आपको वीडियोज़ भी मिल सकती हैं, आल कोर्सेज की क्विजेस की भी मिल सकती हैं, और सोल्यूशन फाइल्स हैं वो भी मिल सकेंगी। टेंथ है, हाउ कैन यू मैनुअली डाउनलोड और अपलोड अ वर्डप्रेस थीम। ऑप्शंस आपके पास डाउनलोड थीम, जिप, सेटिंग थीम, ऐड न्यू, अपलोड थीम, चूज फाइल, इंस्टॉल ना। उसके बाद ये जो है वो सेटिंग से आगे अपलोड पे जाते हैं, सेम आगे जिप थीम जिप के आगे आप अपीयरेंस पे जाते हैं, या थीम जिप आगे आगे अपीयरेंस एंड देन अपलोड एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो होगा जी थर्ड वाला, डाउनलोड थीम डॉट जिप, अपीयरेंस पे जाते हैं, उसके बाद आप थीम पे जाके ऐड न्यू पे जाते हैं, अपलोड करते हैं अपना थीम, उसके बाद आप फाइल चूज करते हैं एंड इंस्टॉल नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो आपका थीम जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सी को हम मार्क करेंगे और क्विज जो है वो हमारा क्लोज हो गया, और क्विज जो था वो हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो काफ़ी मतलब समझ आ गई होगी, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से कमेंट किया करें, प्यारे से कमेंट किया करें, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। अप्रिसिएशन कभी कभी आपकी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।